अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ फूड ब्लॉगर में फिर से एक बार आपका। आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कुछ मीठा, मतलब मीठे में है ज़र्दा। ज़र्दा की रेसिपी बहुत ही आसान होती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसे जल्दी से बना ले, बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है लंबे दाने वाले चावल, और लंबे दाने वाले चावल को मैंने फुला के रख दी थी आधा घंटा के लिए, और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कप से यहाँ पर ही ये 4 कप मैंने पानी ली है, 250 ml की है, तो इसको मैंने ले ली है। और पानी गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, और साथ ही साथ इसमें हम डाल रहे हैं 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची छोटी इलायची और 3 लौंग डाल दिया है मैंने। इससे अच्छा टेस्ट आएगा बहुत ही ज़र्दे में। और चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने येल्लो वाली फूड कलर ली है, आप चाहे तो ऑरेंज वाले भी ले सकते हैं, पर मुझे येलो वाला पसंद है तो मैं वो ले रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था यहाँ पर ही कलर, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, 1/2 टीस्पून, मतलब टोटल यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है रंग। और चलिए पानी थोड़ा अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देते हैं चावल और इसको बॉईल करते हैं जब तक ये गल ना जाए। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना बॉईल कर, मतलब हम लोग बॉईल करते हैं फिर ये अच्छे से चावल गल जाता है, फिर इसको हम पसा देते हैं, तो ठीक उसी तरह हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है, ये खोलते रहेगा जब तक इसका मतलब चावल अच्छे से, क्योंकि चावल पहले से फूला हुआ है और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस ये जब तक गल ना जाए, छूने से लगे कि हाँ ये गल गया है। देखिए इसको तोड़ के ये गल चुका है, तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए चावल गल गई है, टूट जा रही है आसानी से, तो हमारा मतलब चावल है अच्छे से गल चुका है। और चलिए इसको हम एक छान देते हैं किसी में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छन्नी, मतलब उसमें मैं छान रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें छान सकते हैं। तो इसको छनने देते हैं, पानी अच्छे से गल जाएगा जब तक इसका हम जो है रेडी कर लेते हैं। हमने फिर से एक गैस पे कढ़ाई ले ली है, और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून घी लिया है, और इसको हमने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है ताकि ये अच्छे से फैल जाएगा, तो हम इसमें चावल डालेंगे ना तो आसानी से ये इसमें बैठ जाएगा। और हम आधा आधा चावल डालेंगे, तो यहाँ मैं आधा चावल डाल रही हूँ इसमें, और ये इसमें इसको हल्का हल्का फैला दीजिए, ठीक है इस तरह, ज़्यादा नहीं, मेरा थोड़ा ज़्यादा ऊपर चल गया, तो इसको थोड़ा हल्का हल्का फैला दीजिए। और यहाँ पर मैं जो कप से मैंने चावल ली थी ना, मतलब मैंने 1 कप चावल ली थी, उसी कप से मैंने थोड़ा आधा चीनी लिया है। चीनी मैं ज़्यादा नहीं मीठा बना रही हूँ, कम है, तो आप अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं 1 कप भर के, जितना आपने चावल लिया है जितना आपने उतना आप ले सकते हैं चीनी भी उसके साथ। तो यहाँ पर ही अब हम डाल दिए, जो आधा मैंने चावल बचा के रखा था उसको मैंने डाल दिया चीनी के ऊपर एक लेयर बनाकर, और इसको कुछ नहीं करना, बस चावल को ऊपर नीचे फैला देना है अच्छे से, और एक ढक्कन की मदद से ढक के इसको रख देना है। हम 2 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, और इसमें हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून घी। घी यहाँ पर ही थोड़ी जमी भी है, तो इसलिए मैंने एक जगह पे डाल दिया है, ये गर्म से अपने आप सब जगह फैल जाएंगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ढक देते हैं और इसको धीमी आँच पर पकने देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है, और ये देखिए, तो हमें इसे चलाना नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे इसी तरह छोड़ देना है, इसको चलाना नहीं है अभी, सिर्फ इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर छोड़ देंगे। तो ये मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब इसमें हम जो कुछ मेवा काजू किशमिश जो भी है हम जो ड्राई फ्रूट्स है उसको डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने काजू किशमिश और पिस्ता बादाम, और यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी खोई खोआ लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको हम मिक्स कर देते डाल देते हैं इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब ऑप्शनल तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ज़र्दा में तो ये डालना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह मुरब्बे भी डाल सकते हैं, रसगुल्ले भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और चलिए इसको ढक के रख देते हैं, और ठंडा हो जाने के बाद हम इसको दिखाएंगे। तो ये देखिए ठंडी हो चुकी है अच्छी से, और इसको हम एक बर्तन में, एक मतलब हम कंटेनर में इसको सर्व कर रहे हैं।
तो ये देखिए कितनी अच्छी सी खिली खिली और एकदम एकदम सॉफ्ट सी बनी हमारी जो जर्दी है, बहुत अच्छी सी और बहुत ही सॉफ्ट बन के आई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। और इसे आप बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे जल्दी से बना लीजिए और खाइए, सबके साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा स्माइल के साथ, और कॉमेंट में बताइए मुझे ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबा दीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबके पास जाए और सब देख सके मेरे वीडियोस को इसी तरह। तो चलिए अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।